तो दोस्तों, क्या आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और आपके वीडियो रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना, आपको अपना फोन ले लेना, जैसे मैंने ले लिया, सिंपल सा कुछ नहीं करना। आपको एक लीड ले लेनी है, मेरे पास तो नहीं है लेकिन मेरा कैमरा भी खराब नहीं है, ठीक है। जैसे आपको मैं वॉइस नहीं आ रही है या फिर रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करना, आपको लीड ले लेनी है और यहाँ पर जो लीड का जो ऑप्शन रहता है लगाने का मोबाइल में, उसमें लगा के निकाल के खींच लेनी है, ठीक है। और फिर आपको रिकॉर्ड करके देखना आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए दोस्तों अब मैं आपको साइड स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आपको क्या करना, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया, कभी कभी ये भी इस वजह से भी हो जाता है और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो अब दोस्तों सिंपल से दूसरे नंबर पर क्या करना है आपको, जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, अब यहाँ पर आपको अपना कैमरे वाला ऑप्शन को इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे और आपको वहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन पर चले जाना, ठीक है। जैसे दोस्तों आप ऐप इन्फॉर्मेशन पर जाते हो, इसके लिए आप ऐप मैनेजमेंट से भी जा सकते हो, सेटिंग से, ठीक है। यदि ऐसे में ऑप्शन आपको ना मिले, मैं आपको करके दिखा दूँ, सॉरी, ठीक है। उसके लिए आपको सेटिंग को इस तरीके से ऑन कर लेना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको वहां पर एप्स का ऑप्शन मिलेगा या फिर हो सकता है ऐप मैनेजमेंट का डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल जाए। इस तरीके से चले जाना और आपको वहां पर देखिए ऐप मैनेजमेंट पर चले जाना, ठीक है। जैसे आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐप मैनेजमेंट, और यहां पर आप सर्च कर लेंगे कैमरा या फिर डायरेक्ट भी ये देखिए शो हो रहा है। यहां पर जैसे ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक किया तो आपको यहां पर डायरेक्ट भी शो हो रहा है कैमरा, तो यहां पर इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी परमिशन मांगे कैमरा वो आपको परमिशन दे देनी, ठीक है। जैसे आपको कैमरा हो गया, यहाँ पर कैमरे पर दे देनी परमिशन, माइक्रोफोन का देख लेना आपकी परमिशन कहीं देनी तो नहीं है, डोंट अलाउ, ठीक है, तो आपको अलाउ कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको देखिए फिर से बैक आ जाना है और स्टोरेज यूसेज पर जाना है, और अगर ऐसे में आपका नहीं हो रहा सही तो आपको क्लियर ऑल डेटा कर देना है। तो दोस्तों यही ऑप्शन रहता है जब कैमरे के ऐप से कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप इतना कर लेते हो तो उसके लिए इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना और आपको रिकॉर्डिंग करके देख लेनी है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही, मतलब जैसे आप वीडियो बना रहे हो, जो आप कोई भी प्रोग्राम में हो या फिर कैसा भी हो, या कोई मतलब इन्फ्लुएंसर हो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको देख लेना चेक करके कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों ऐसे में भी ना हो तो आपको देखिए आप दो पॉइंट में आपको और बताने वाला हूँ। तीसरा देखिए उसके लिए आपको क्या करना, सिंपल सा अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर आपको देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उस पर चले जाना है। यदि आपका फोन अपडेट मांग रहा हो तो आपको अपडेट कर देना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जैसे डिवाइस आपका चेंज हो जाता है अपडेट से, न्यू जैसे मतलब कुछ हो जाता है उसमें, मतलब हैंग वगैरह फोन नहीं करता, उस वजह से भी रिकॉर्ड नहीं होती कभी कभी वॉइस। तो दोस्तों अभी तो अब हो गया, अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट पॉइंट, वो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना अपने प्ले स्टोर पर, जैसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और आपको वहां पर लिख देना माइक्रोफोन टेस्टर, इस तरीके से देखिए माइक्रो टेस्टर। जैसे आप इस तरीके सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको साउंड मीटर का ऑप्शन मिलेगा, मतलब साउंड मीटर का ऐप, तो उसको इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। जब तक दोस्तों ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बता देना क्या आपका स्पीकर सही हुआ या फिर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बता देना क्या इशू हो रहा, मैं आपको फिर से इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन हो ही नहीं सकता कि आपका वीडियो रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि दोस्तों मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर कोई ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट में बता भी दे देना, बता के जाना कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही, किस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी कहो आपका स्पीकर भी खराब हो, आप लोग बोलो कि मेरा सही नहीं हुआ, नहीं तो फिर आप ऐसा बोलो, तो ओपन कर लेना। आपको यहाँ पर देखिए जो भी परमिशन ये मांगे ऐप, उसको परमिशन दे देनी इस तरीके की, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या लिखा है, मिनिमम 29 DB यानी कि, और एवरेज 70 और मैक्सिमम 88 यानी कि 29 से लेकर 88 के बीच में, जैसे आप बोल रहे हो वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो रही है 88 तक, तो आपका मतलब स्पीकर सही है। देखिए और इस तरीके से आता है आर यू सेटिस्फाइड यानी कि डज नोट द साउंड मीटर वर्क प्रॉपरली यानी कि स्पीकर पूरा अच्छी तरीके से साउंड कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे आपको चेक कर लेना जैसे मैंने चेक कर लिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दो।